हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में मिग क्रैश, दो पायलट हुए शहीद, आधा किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग गुरुवार रात करीब 9 बजे क्रैश हो गया। इसमें दो पायलटों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। इसका मलबा करीब आधा किलोमीटर के दायरे में बिखरा। ये विमान बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गाँव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें हादसे के बाद घटना स्थल पर विमान के मलबे में आग लगी हुई है। साथ ही जमीन पर एक बॉडी भी दिख रही है, उसका शरीर जला हुआ है। एक मोबाइल भी टूटकर गिरा हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से बात की है। पिछले साल 24 दिसंबर को भी भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। जिस जगह जेट गिरा है वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ये एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ है। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने रेगुलर उड़ान के लिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार विमान में हवा में ही आग लग गई थी, उसके बाद वह धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।